अब शाम के 4 बज गए, इसलिए पब्लिक सभी निकल निकल के जा रही है। प्राणियों का कल्याण कैसा हो, कैसे हो? शास्त्र बहुत है, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्व समर्थ है तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं, ऊपर बैठे बैठे काम कर दे? चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लेते भी हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के अवतार? और पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठवा प्रश्न, भगवान अगर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, तो जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? बहुत अद्भुत प्रश्न किए हैं सौनक ऋषि। तब श्री सूत जी सबसे पहले मंगलाचरण करते, यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेति कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया करवो बले दुष्टं सर्वभूतिः देयम् मुनिमान। पहला प्रश्न क्या था, प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तो श्री सूत जी कहते हैं, भैया भगवान के भजन और गुरु कृपा से कैसा भी प्राणी हो उसका बेड़ा पार हो जाता है। दूसरा, शास्त्र बहुत है, शास्त्र का सार क्या है? श्रीमद् भागवत रूपी संहिता भागवत महापुराण ही सब शास्त्रों का सार है। रामचरितमानस और भागवत दोनों शास्त्र का सार है। छहो शास्त्र सब ग्रंथ निघोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की आर तो श्री राम मायन जी की कीरत कलित।